हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सरकाई लट में। तो जैसा कि दोस्तों आज 1 जनवरी है, तो सबसे पहले आप लोग को नए साल की बहुत बहुत मुबारक। और यहाँ पे दोस्तों बात करें तो 2020 में बिहार में लगभग 2 लाख भर्तियाँ यहाँ पे होने वाली है। यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट बात करें तो 1 लाख शिक्षक की यहाँ पर भर्ती होने वाली है। और दोस्तों बिहार से इंटरनल का प्री का रिजल्ट आने वाला है। और दोस्तों BPSC का PT का रिजल्ट यहाँ पर एग्जाम होने वाला है मेन्स का। और यहाँ पर बिहार दरोगा का भी PT का रिजल्ट और यहाँ पर मेन्स का एग्जाम होने वाला है। दोस्तों क्या पूरा न्यूज आइए हम पढ़ लेते हैं। 2020 में 2 लाख से अधिक भर्तियां, ये दोस्तों प्रभात खबर का न्यूज़पेपर आज आया हुआ है। और यहां पर दोस्तों ये भी दिया हुआ है कि इंटरव्यू का कब तक रिजल्ट आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें संपूर्ण डिटेल जानने के लिए इस वीडियो में। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं प्रभात खबर का मेरे सामने आज 1 जनवरी का न्यूज़पेपर है। और यहाँ दोस्तों इसी के फ्रंट पेज पे देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं 2020 में 2 लाख से अधिक पदों पर होगी नियुक्ति, बदलेगी कई व्यवस्थाएं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है न्यूज़, आइए पढ़ लेते हैं। नया साल में 2020 में युवाओं के लिए खुशखबरी वाला है। 1 लाख से अधिक सरकारी नौकरियों में युवाओं को जाने का अवसर मिलेगा। यहाँ पर अवसर को लेकर सिपाही तक के पदों से भर्तियां होंगी। बिहार लोक सेवा आयोग में और करीब 2500 पदों पर नियुक्ति की कई परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं राज्य में 1 लाख से अधिक प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन होगा, करीब 30,000 माध्यमिक शिक्षक। और यहाँ पर देख सकते हैं TT के तहत 37,000 शिक्षकों का नियोजन। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों और भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर शेष पेज 15 पर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आइए क्या है वहाँ पर हम देख लेते हैं। और यहाँ पे दोस्तों पेज 15 पे देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि के प्रारंभिक महीनों में इंटर स्तरीय के 10,000 पदों का परिणाम जारी होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लिखा प्रारंभिक महीने, यानी कि आपका जनवरी या फरवरी में आपका इंटर स्तरीय का 10,000 का रिजल्ट। और यहाँ पे देखें तो बिहार लोक सेवा आयोग का 65वीं मुख्य परीक्षा यहाँ पे आयोजित होगी। वहीं दोस्तों देख सकते हैं 66वीं संयुक्त परीक्षा का शेड्यूल जारी होगा। यहीं दोस्तों देख सकते हैं 2500 दरोगा और यहाँ पे 2500 सिपाही और 1000 विशेषज्ञ डॉक्टर और 250 सहायक अभियंता के अलावा नगर विकास विभाग में करीब 1000 पदों पर नियुक्ति होने वाली है। और यहाँ पे देख सकते हैं अमीन के भी 1767 पदों पर नियुक्ति होने वाले के आवेदन लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं साल 2020 में बहुत सारी यहाँ पे भर्तियाँ बिहार में हो रही है। और यहीं पे दोस्तों बात करें इंटर स्तरीय परीक्षा के रिजल्ट की, तो यहाँ पर आपका 13,000 पदों पर इंटर स्तरीय का प्रारंभिक महीनों में इंटर स्तरीय का रिजल्ट भी आने की उम्मीद है। तो ये दोस्तों प्रभात खबर से खबर आ रहा है, देख सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दें ऐसी दोस्तों पल पल की लेटेस्ट पाते रहने के लिए।